हेलो दोस्तों, अभिमन्यु व्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि इस व्लॉग में बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मेरा बेटा पहली बार मेरी ससुराल जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कैसे वो जाता है मेरी ससुराल और मेरी ससुराल में कैसे होता है उसका स्वागत। बस चल रहे हैं दोस्तों, शौक भी था, इच्छा भी थी और जाना भी चाहिए था मुझे नई बाइक से, बट जुगाड़ नहीं था उसमें बैग रखने का। अफसोस, पुरानी बाइक से जाना पड़ रहा है, वो भी 2013 की बाइक है। क्या कर सकते हैं, स्प्लेंडर प्लस सुविधाजनक हीरो की तरफ से और पैशन प्रो को छोड़ना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ससुराल में थोड़ी तो इज्जत कम हो ही जाएगी, खटारा बाइक लेके जा रहे हैं। ये देखिए, हमारी माता जी ने उसके हाथ में कुछ मंत्र फूंक दिया जिससे अब उसको मेरी मम्मी की याद नहीं आएगी। भगवान जाने कौन सा मंत्र था, इसे कहते हैं गांव का रिवाज। और ये रहा चरण स्पर्श, सदा सुहागन रहो। तो भैया पूरी तैयारी हो गई है ससुराल जाने के लिए और मैं जा रहा हूँ बाइक स्टार्ट करने, और हमारी बिटिया रानी पहले से वहाँ पे बैठ गई हैं एज़ यूजुअल, हाथ पैर सब तोड़ लेती हैं ऐसे काम कर करके। बेचारी पैशन प्रो खड़े खड़े यही सोच रही है कि ये बंदा मुझे अपनी ससुराल लेकर क्यों नहीं जाता। दोस्तों, बलापुर से निकलकर मांधाता विश्वनाथगंज और रामफल इनारी होते हुए हम अपने ससुराल पहुंचने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा खुश तो मेरी बेटी है क्योंकि वहां जाने के बाद इसको बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं खेलने के लिए। इसके अलावा वहां पे क्या ही बताऊं, गाय भैंस के बच्चे भी मिल जाते हैं खेलने के लिए, मतलब बच्चे ही बच्चे, इंसानों के भी और जानवरों के भी। दोस्तों, एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, जितना ये शर्माती हैं हमारे व्लॉग में आने में, जितना ये शर्माती हैं हमारे व्लॉग में आने में, उतना नहीं शर्माई थी वरमाला पहनाने में। फाइनली हम ससुराल पहुंच गए दोस्तों, और यहाँ पे देखिए मेरे बेटे की डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो रही है, बीच में एक मीडिएटर है आम की पत्तियाँ, और उस पर से देखिए ये प्रोडक्ट पहुँच गया दूसरी पार्टी की तरफ। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।